एक छोटे से शहर में मरियम अपने 7 साल के बेटे जॉनी के साथ रहती थी। जॉनी और उसकी माँ बेहद ही गरीब थे। जॉनी की माँ मरियम लोगों के कपड़े सिलकर अपना और अपने बेटे जॉनी का पेट पालती थी। एक दिन की बात है, जॉनी सड़क पर जा रहा था, तभी उसने कुछ अमीर आदमियों को देखा जो कुछ खा रहे थे। तभी एक आदमी से जब वो खाया नहीं गया तो वो उसने फेंक दिया। भगवान अमीर आदमियों को इतना सारा खाना क्यों देते हैं जिसे वो खा भी नहीं पाते और फिर उसे फेंक देते हैं, और हम गरीब को इतना भी खाना नहीं मिलता कि जिससे हमारा पेट भी भर सके। जॉनी को बड़ी जोर से भूख लग रही थी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो जल्दी से घर गया और अपनी माँ से खाना मांगने लगा। माँ माँ भूख लगी है, खाना दो ना। माँ रसोई में जाती है और फिर उसे खाना ला कर देती है। माँ बस इतना थोड़ा सा ही खाना, माँ इसमें तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। जॉनी, आज इतना ही खाना है, तुझे इतने से ही खाने से काम चलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं माँ, मैं इतने से खाने से पेट भर लूंगा। माँ तुमने क्या खाना खाया? हाँ हाँ मैं खाना खा चुकी हूँ, तू खाना खा ले। माँ आप मुझसे झूठ कैसे बोल सकती हो? मुझे पता है जब तक मैं खाना नहीं खाता तुम भी खाना नहीं खाती हो। माँ आपको भी मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा। फिर जॉनी अपनी माँ को अपने हाथ से खाना खिलाता है और फिर वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। और अगली सुबह जॉनी की माँ अपनी सिलाई मशीन लेकर लोगों के कपड़े सिलने में लगी हुई थी। क्रिसमस आने वाला है, मैं इस बार जॉनी को सुंदर सी साइकिल ला कर दूंगी। जब वो साइकिल देखेगा तो कितना खुश होगा। पर उसकी साइकिल के लिए मुझे और ज्यादा मेहनत करके लोगों के कपड़े सिलने होंगे, तभी मैं जॉनी की साइकिल के लिए पैसे इकट्ठे कर पाऊंगी। ये सोचकर जॉनी की माँ ज्यादा से ज्यादा कपड़े सिलने की कोशिश करती है। तभी एक औरत मरियम के पास आती है। मरियम, मेरे ये कुछ कपड़े हैं, इन्हें क्रिसमस से पहले सिलकर दे देना। ठीक है। फिर वो औरत मरियम को कपड़े सिलने के लिए देकर चली जाती है। इतने में ही जॉनी आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ क्रिसमस आने वाला है, कितना अच्छा लगता है ना माँ। क्रिसमस पर सब लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और सभी लोग क्रिसमस पर पार्टी भी करते हैं, पर माँ हम तो कभी भी क्रिसमस ठीक से नहीं मना पाते। कितना अच्छा होता ना माँ कि हम भी सभी लोगों की तरह अच्छे से क्रिसमस मना पाते। हाँ बेटा, पर हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हम भी और लोगों की तरह अच्छे से क्रिसमस मना पाते। अच्छा जॉनी बेटा, तुझे इस बार क्रिसमस पर कुछ चाहिए? जॉनी अपनी माँ की हालत समझता था। उसे पता था कि उसकी माँ उसे ये सब कहाँ से ला कर देगी। नहीं नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम हमेशा मेरे साथ रहो और बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। जॉनी की माँ जॉनी को एक अच्छे से स्कूल में पढ़ाना चाहती थी, पर वो उसे पैसों की वजह से पढ़ा नहीं पाती है। वो उसे हमेशा एक बहुत बड़ा आदमी बनाने के बारे में सोचती रहती है। इसी वजह से दिन रात मेहनत करके लोगों के कपड़े सिलती। क्रिसमस पर वो जॉनी को उसकी पसंद की साइकिल देना चाहती थी, इसलिए वो उसकी साइकिल के पैसे इकट्ठे करने में लगी हुई थी। इस तरह जॉनी की माँ को काम करते करते सारा दिन हो जाता है। माँ और कितना काम करोगी, अब बस भी करो, देखो रात भी हो गई। हाँ बस थोड़ी देर और। जॉनी अपनी माँ को रात रात भर कपड़े सिलते देख बड़ा दुखी होता था। पता नहीं भगवान किसी को इतना गरीब बना देता है कि उनके पास खाने के लिए खाना तक नहीं होता और ना ही पहनने के लिए कपड़े, और किसी को इतना अमीर बना देता है कि उनके पास इतने कपड़े होते हैं कि उनसे पहने भी नहीं जाते, और खाने के लिए इतना ज्यादा खाना होता है कि उनसे खाया भी नहीं जाता, फिर भी उन्हें वो खाना फेंकना पड़ता है। माँ बहुत रात हो गई है, बाकी का काम कल कर लेना। फिर जॉनी और उसकी माँ दोनों थोड़ा बहुत खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह मरियम जल्दी उठकर लोगों के कपड़े सिलने में लगी हुई थी। मरियम जॉनी को उसकी पसंद की साइकिल दिलाने के लिए पैसे इकट्ठे करने में लगी हुई थी। जब वो सबके कपड़े सिल लेती है तो सोचने लगती है, हाँ इतने पैसे तो हो ही जाएंगे जिससे कि मैं क्रिसमस पर जॉनी के लिए साइकिल और उसके लिए नए कपड़े ले सकूं। जब मैं उसे नई साइकिल और कपड़े दिलाऊंगी तो वो कितना खुश हो जाएगा। अब मैं जाकर इन कपड़ों को दे आती हूँ जिससे कि मुझे पैसे मिल सके। फिर मरियम सिले हुए कपड़े लेकर उन्हें देने चली जाती है। ये लो बहन जी आपके कपड़े। वो कपड़ों के पैसे अभी मेरे पास नहीं है, तुम 2 दिन बाद आकर पैसे ले जाना।
वो बहन जी, कल क्रिसमस है तो मुझे क्रिसमस पर कुछ सामान खरीदना है। कह दिया ना अभी नहीं है पैसे, कल आकर ले जाना। फिर मरियम बाकी और लोगों के घरों में उनके कपड़े देने चली जाती है। मरियम उदास मन से बिना कुछ कहे अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर वापस आ जाती है। अब मैं क्रिसमस पर जॉनी को साइकिल कहाँ से लाकर दूंगी। ये सब सोचते हुए वो रसोई में जाकर डिब्बे देखने लगती है, जो कि उसने उन डिब्बों के अंदर कुछ पैसे जमा करके रखे हुए थे। और फिर वो उन सभी पैसों को अपने पर्स में रखकर जॉनी के साथ बाजार चली जाती है। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। तभी मरियम एक साइकिल वाले की दुकान देखती है और उसके पास जाती है। भैया, ये साइकिल कितने की दी है? 2000 रुपए की। 2000 रुपए की? पर मेरे पास तो 800 रुपए ही है। क्या बात करती हो, 800 रुपए में क्या साइकिल मिलती है? मेरी दुकानदारी का टाइम है, जाओ जाओ आगे जाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं, पैसे होते नहीं हैं जेब में, फिर भी साइकिल खरीदने चले आते हैं। मरियम 2000 सुनकर उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। हम गरीबों की किस्मत में तो ठीक से त्योहार मनाना भी नहीं है। जॉनी की माँ ये सब सोच ही रही थी कि तभी एक आदमी जोर से भागता हुआ आता है और मरियम के हाथ से पर्स छीनकर भाग जाता है। मेरे पैसे, मेरे पैसे, कोई उस चोर को पकड़ो, वो मेरे पैसे लेकर भाग रहा है। अब क्या होगा, मैं घर का सामान कहाँ से लाऊंगी? अरे मेरे पैसे, मैंने बड़ी मुश्किल से क्रिसमस के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, वो भी चले गए। मरियम रोते हुए वापस अपने घर की तरफ आने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक कार दिखाई देती है जिसमें 5 साल का बच्चा बुरी तरह रो रहा था। मरियम कार के अंदर झांक कर देखती है तो हैरान हो जाती है। अरे ये बच्चा तो बिल्कुल अकेला, और इसके माँ बाप कहाँ गए? मरियम इधर उधर चारों तरफ उस बच्चे के माँ बाप को देखती है, पर उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी वो देखती है कि बच्चा रोते रोते बेहोश हो गया है। लगता है शीशा बंद होने की वजह से ही बेहोश हो गया है। इससे तो इस बच्चे की जान भी जा सकती है। इससे पहले कि इस बच्चे को कुछ हो, मुझे इस बच्चे को कार से बाहर निकालना होगा। तभी मरियम इधर उधर देखती है। तभी वो सड़क पर पड़े पत्थर को उठाती है और आगे वाली गाड़ी के शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है, और जैसे ही कार का शीशा टूटता है तो वो पीछे की सीट पर बेहोश पड़े बच्चे को बाहर निकालती है और उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाती है। अच्छा हुआ जो तुम इसे समय से मेरे पास ले आई, नहीं तो इस बच्चे की ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जान भी जा सकती थी। उधर उस बच्चे के माता पिता कार का टूटा हुआ शीशा देखते हैं तो रोने लगते हैं। हमारा बच्चा, अरे मेरा बच्चा कहाँ गया? कौन ले गया होगा मेरे बच्चे को? मेरा बच्चा, मैं कहाँ ढूंढू मेरे बच्चे को? पता नहीं कौन ले गया, लगता है कोई हमारे बच्चे को चुरा कर ले गया। अरे मेरा बेटा। उस बच्चे के माता पिता रो ही रहे थे, तभी उस बच्चे को लेकर मरियम वहाँ पहुँच जाती है। ये रहा आपका बेटा। जैसे ही वो औरत मरियम को देखती है तो वो उसे पहचान जाती है कि ये तो वही औरत है जो सुबह उसके कपड़े सिलकर देकर गई थी। तभी मरियम उस औरत से कहती है, बहन जी, डॉक्टर ने कहा है कि अब आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। वो शीशा बंद होने की वजह से इसे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गया था। मतलब? फिर तभी वहाँ पर खड़े बाकी के लोग उस बच्चे की माँ को बताते हैं कि कैसे उसने कार से उस बच्चे को बाहर निकाल कर उस बच्चे की जान बचाई। ये सब सुनकर तो उस औरत की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम समझनी चाहिए थी। जैसे हम लोगों के लिए त्योहार मनाना जरूरी होता है, वैसे ही तुम लोगों के लिए भी त्योहार मनाना उतना ही जरूरी होता है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इंसान को कभी भी अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। भगवान के घर मुंह भी तो दिखाना है। मुझे खुशी है कि मैं आपके बेटे की जान बचा सकी। सही में आज तुमने मेरा सिर शर्म से झुका दिया। और अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, वो औरत अपने बेटे के साथ मरियम के घर पहुंच जाती है और वो मरियम के बेटे जॉनी को एक सुंदर सी साइकिल देती है और फिर उसके लिए बहुत ही सुंदर कपड़े भी देती है। माँ, इस बार हम भी क्रिसमस अच्छे से मनाएंगे। हाँ बेटा, इस बार हम क्रिसमस बड़े अच्छे से मनाएंगे।